चौहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखल्लफ किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद MQM ने वज़ीर आज़म से दो बड़े मुतालबात कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जरदारी से आज़ादी का वक्त आ गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई है, वज़ीर आज़म साहब अब घबराने का वक्त आ गया है। इमरान फारूक कत्ल केस मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने 5 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज किया था। पिशावर मस्जिद धमाके में मुलव्वस 3 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक। 2 मरकजी साथियों की तलाश जारी। 3 दहशतगर्द पिशावर कूचर रिसालदार और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए नेचुरल हेल्थ ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद का दौरा किया, जिसमें इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म के सामने दो बड़े मुतालबात रख दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने 20 रुपये पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। अंदरून सिंध वालों से कहता हूँ कि जरदारी से आज़ादी का वक्त आ गया है। कराची में गवर्नर हाउस में PTI के कारकुनों से खिताब में उनका कहना था कि मुझे आपके जोश और जुनून का अंदाज़ा है। अली जैदी और उनकी टीम को सिंध के दौरे पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध के दौरे से वाज़ेह हो गया पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तब्दीली सिंध चाहता है। सिंध के लोग डाकू जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि कराची के लोगों को KCR की मुबारकबाद देता हूं। ग्रीन लाइन आ चुकी है, KCR बनने वाली है। कराची में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हम करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ अदम एतमाद में नहीं फंसे, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। मैं रुकूंगा नहीं, उनके पीछे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ पर जो जंजीर बंधी हुई थी
वो अब खुल जाएगी। वजीर आजम का कहना था कि मेरा पहला निशाना आसिफ जरदारी होगा, जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया है। जरदारी को जब नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाता है। उनका कहना था पाकिस्तानियों का शुक्रिया जिन्होंने तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स हमारी हुकूमत को दिया। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। कबल अजी वजीर आजम इमरान खान ने कराची में MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद का दौरा किया, जिसमें इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम के सामने दो बड़े मुतालबात रख दिए। जराए के मुताबिक MQM की जानिब से बंद दफातर खोलने और लापता अफराद को बाजियाब करवाने के दो मुतालबात रखे गए, जबकि वजीर आजम से MQM रहनुमाओं की कराची पैकेज पर भी बात हुई। इमरान खान का बतौर वजीर आजम MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज का यह पहला दौरा था। वफाकी वज़रा अली जैदी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर से इमरान इस्माइल वजीर आजम के हमरा थे। ज़राए के मुताबिक MQM ने 4 दफातर मांगे थे, जिसमें से 3 दफातर नहीं दिए गए, लेकिन हैदराबाद जोन का दफ्तर दे दिया गया है। खुर्शीद बेगम, गुलशन टाउन ऑफिस और लियाकताबाद ऑफिस देने से तहाल इनकार किया गया। मुलाकात में वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा कि असद उमर MQM और कराची के मसाइल पर बात करते रहते हैं, हमने सिंध हुकूमत से ज्यादा कराची को ओन किया और MQM के मसाइल भी हमेशा हल करने की कोशिश की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। वजीर आजम ने कहा कि कराची को ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी हमने दिया और हमने मर्दुम शुमारी पर भी तहफ़ुज़ात दूर किए। MQM रहनुमा आमिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम से खुशगवार माहौल में बात हुई, लेकिन गुफ्तगू का तमाम अहवाल नहीं बता सकते। मुलाकात में अदम एतमाद से मुतालिक गुफ्तगू नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो का मार्च के शुरुआत से खिताब करते हुए कहना था कि अब तक ये कठपुतली कुर्सी पर बैठा है, इस शख्स से हमारा कोई जाती मसला नहीं है, इस शख्स ने पाकिस्तान का जाती कत्ल किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कठपुतली हम पर और कौम पर मुसल्लत किया गया, पूरे पाकिस्तान का एतमाद उठ चुका है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमें पार्लिमान में और सड़कों पर भी एहतजाज करना है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, वजीर आजम की टांगे कांप रही हैं और पसीने छूट रहे हैं, वो गालियां दे रहा है। PTI MF डील पाकिस्तान दुश्मन और गरीब दुश्मन डील है, इसकी मौशी पॉलिसी आम आदमी को तकलीफ पहुँचाना है, आपने हमारी बात नहीं मानी और मौशी बोझ आम आदमी पर डाला, आप अमीरों को रिलीफ पहुंचाते हो, अरबपति लोगों के लिए अरबों की एमनेस्टी स्कीम का बंदोबस्त करते हो। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को बर्दाश्त नहीं करते, हम आम शहरी को निशाना बनाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते, तुमने पार्लिमान से पूछे बगैर रात को दहशतगर्दों से डील करना शुरू कर दी। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को लंदन में कत्ल कर दिया गया था। उन्हें उनके घर के पास शाम 5:30 बजे ईंटों और छुरियों के वार से कत्ल किया गया था और FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने 5 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान फारूक कत्ल केस मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज्जम अली की सजा के खिलाफ अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है और केस में मुलविस मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज्जम अली की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनोला और जस्टिस आमिर ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ख्वाजा इम्तियाज ने केस की पैरवी की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जम अली को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अदालत ने 10-10 लाख रुपए जुर्माना मकतूल की अहलिया को बतौर सर तलाफी अदा करने का हुक्म भी दिया था। वाजह रहे कि MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को लंदन में कत्ल कर दिया गया था। उन्हें उनके घर के पास शाम 5:30 बजे ईंटों और छुरियों के वार से कत्ल किया गया था और FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने 5 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज किया था।
CTD ज़रा के मुताबिक पिशावर के सखवानी बाजार की मस्जिद में होने वाले धमाके में मुलव्वस तीनों दहशतगर्द ऑपरेशन में मार दिए गए हैं, जबकि खुदकश हमला आवर के दो मरकजी साथियों की तलाश जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। CTD ज़राए के मुताबिक पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में होने वाले धमाके में मुलाविस तीनों दहशतगर्द ऑपरेशन में मार दिए गए हैं, जबकि खुदकुश हमला आवर के दो मरकजी साथियों की तलाश जारी है। CTD के मुताबिक कोचर रिसालदार धमाके में मुलाविस नेटवर्क में शामिल तीनों दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गई हैं। दहशतगर्द अब्दुल वाजिद उर्फ गाजी उस्मान, डॉक्टर सतनाम सिंह, अमन कमेटी मेम्बर ASI इम्तियाज आलम पर हमलों में मुलविस था और गाजी उस्मान कोचर रिसालदार धमाके में बराह रास्त शामिल था। CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुजफ्फर शाह उर्फ खालिद कोचर रिसालदार धमाके समय टारगेट किलिंग का मास्टर था। पिशावर नेटवर्क में शामिल तीसरे दहशतगर्द की भी शनाख्त हो गई है। तीनों दहशतगर्द पिशावर कोचर रिसालदार दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। टैक TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक TV। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.